कार्यालय में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। चरखारी कस्बे में दीपावली पर्व के दूसरे दिन से ही पूरे एक माह तक चलने वाले ऐतिहासिक व धार्मिक मेला विधिवत शुभारंभ हो चुका है। मेला मंदिर में विधि विधान एवं मंत्र उच्चार के साथ 141वें सहस्त्र श्री गोवर्धन नाथ जू महाराज मेला का सदर विधायक राकेश गोस्वामी, MLC जितेंद्र सिंह सेंगर व पालिका अध्यक्ष मंजू प्रतिनिधि रामपाल कुशवाहा ने विधिवत पूजन व आरती कर भव्य शुभारंभ किया। भगवान श्री गोवर्धन नाथ जू महाराज की सवारी सदर मंदिर भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रक को सजाकर गाजी बाजे व आतिशबाजी के साथ मेला परिसर पहुंची, जहां विधिवत पूजन कर 141वें मेले का शुभारंभ हुआ। वहीं सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का मेला है, जिसकी भव्यता की जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की रहती है, जो बखूबी निभाई जा रही है। MLC जितेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि यह मेला रियासत काल में वर्ष 1883 से प्रारंभ हुआ। धार्मिक मेला के आयोजन का इस वर्ष 141वां वर्ष है। हम सभी जन प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं कि यह मेला व महोबा की कजली मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाए। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामपाल उर्फ पप्पू कुशवाहा ने बताया कि 141वें मेले को बड़ी ही भव्यता के साथ सजाया जा रहा है, जिसमें महीने भर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इस वर्ष सुरक्षा की दृष्टि से मेले में एक कोतवाली व एक महिला चौकी का आयोजन भी हुआ है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस मेले में रहेगी। इस अवसर पर जिला अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, अधिशासी अधिकारी अमरजीत, लेखाकार आयुब खान, संजीत कुमार, पूर्व पालिका अध्यक्ष अरविंद सिंह, SO गणेश गुप्ता, खरेरा थाना प्रभारी सत्वेंद्र सिंह भदौरिया, चौकी प्रभारी समय कुमार, SI राजकुमार, सभासद सुरेंद्र प्रताप सिंह, सैलिन तिवारी, मोहम्मद सरफराज, राम सेवक अरुण कुमार सहित तमाम नगरवासी मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। जो मेला हमारा तो धार्मिक जो है चरखारी का, उसको 141वां हमारा मेला है। और चरखारी में जो अभी तक कार्यक्रम होते आए हैं, उसी हिसाब से हम तो प्रोग्राम रखे गए हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कुछ धार्मिक है, कुछ मंच के माध्यम से अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं। और इस साल कोशिश की है कि टूर्नामेंट भी हम हॉकी की करा सकें। ये हमारी पुरानी परंपरा चली आई है हॉकी टूर्नामेंट। और मेले में जो भी व्यवस्था हम दे सकते हैं, अपेक्षाएं हैं लोगों की, नगर की, क्षेत्र की, उसमें कोशिश करेंगे कि हम जितना अच्छे से अच्छा व्यवस्था दे सकें, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम दे सकें, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ जी का मेला विगत 144वां वर्ष जो निरंतर हर वर्ष मेला लगता है, हमारा धार्मिक मेला भी है और लोग पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास जिलों से भी लोग एकादशी में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। और सबसे अनूठी बात, यहाँ पे 108 भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर है, एक अनूठी छटाओं के साथ में लोगों के लिए मनमोहक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, खेलकूद भी और कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें लोगों की जो रुचि जिस क्षेत्र में होती है, पूरे एक महीने तक निरंतर यह मेला लगता है। लोग परिवार सहित दर्शन करने आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र का चरखारी एक अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। तो निश्चित तौर से लोगों में जिज्ञासा भी होती है, भगवान प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन भी करते हैं, परिवार के साथ में यहाँ पर दर्शन के बाद मेला भी घूमते हैं। और एक लोगों के बीच में प्रतीक्षा रहती है, पूरे चरखारी नगर में आसपास क्षेत्र में लोगों के नाते रिश्तेदार भी आते हैं। और मेरी जानकारी में इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से और मेला की तैयारी की गई है और नगर पालिका इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। हमें विश्वास है कि ये मेला एक और अच्छी अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा। और यहाँ पर अपने चरखारी नगरवासी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब प्रोसेस में है, यहाँ पे हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि, हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको राजकीय दर्जा मिले। इसके पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी हुआ था, प्रयास रहेगा कि आगे जल्दी महोबा का अपना ईरक सागर में जो अपना कजली मेला और भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का यहाँ पे मेला लगता है, आगे जल्दी राजकीय मेला हो, ताकि सरकार की तरफ से और भी बजट स्वीकृत। ये मेला सरकारी की पहचान है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, व्यावसायिक है और लगातार वर्षों से ये मेला चलता चला। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो ये मेला व्यापारिक दृष्टिकोण से इतना बड़ा मेला था कि साल भर की जो तैयारियां होती थी, शादी ब्याह की जो तैयारी होती थी, ये पूरी खरीदारी चरखारी मेले से होती थी।
कुंटलों सोना कुंटलों चांदी यहाँ पे खरीदी और बेची जाती है। तो ये मेला हम लोगों के लिए बड़ी शान का सबब है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा चलता रहे। इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हमारी नगर पालिका द्वारा होते हैं। इस बार भी जो पत्र हमें मिला है उसमें कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं,